नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजू के बारे में। राजू हमारा एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा है और जो कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। लॉकडाउन में यार बहुत हालत परेशान हो गई है राजू की, और मतलब वो सोच रहा है कि कोई ना कोई एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे, एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करे ऑनलाइन। अब राजू सोच रहा है यार कि इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे लोग पहले से ही मार्केट में मतलब यानी अपना ठप्पा जमा चुके हैं, लेकिन वो कैसे इनसे कॉम्पिट करेगा, कैसे इनको पछाड़ेगा और क्या कुछ अलग कर पाएगा जिसकी वजह से राजू मार्केट में अपनी नई पहचान बना पाए। ये सोच रहा है राजू, और सोचते उसने बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, न्यूज़ देखे, मतलब बहुत सारी चीज़ें की। फिर उसको फाइनली एक आइडिया आया। राजू ने देखा कि आजकल इंडिया और चाइना के बीच में एक कोल्ड वार तो चल ही रहा है, और वो आज से नहीं बहुत जमाने से है, और इंडिया में स्वदेशी को लेके एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही मतलब भावनाएं जुड़ी हुई है स्वदेशी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से हमारे बाबा रामदेव हिट हो गए, ओके पतंजलि हिट हो गई। तो राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस करूं जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचूं, कोई भी दूसरा ब्रांड, कोई भी दूसरा ना तो चाइनीज ना तो अदर ब्रांड्स वो सेल करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेड स्वदेशी, प्योर स्वदेशी प्रोडक्ट। तो राजू ने सोच लिया कि वो एक ऐसी ऐप बनाएगा जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेड स्वदेशी प्रोडक्ट बेचेगा। अब राजू सोच रहा है यार कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं सोर्स कर सकता हूँ, जो कि इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से मुझे आसानी से मिल भी जाए और उसमें वैरायटी भी ज़्यादा हो और लोग उसको डेली बेस पे यूज भी करते हो, मतलब उसको रेगुलर खरीदते भी हो। तो राजू सोचते उसने तो पहले कुछ कैटेगरी तो हटाई दिया, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट हैं दूसरे ब्रांड्स हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक हटा दिया, और धीरे धीरे छांटते राजू ने सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी पकड़ी, और वो कैटेगरी थी फूड की। किराना स्टोर में जो मिलने वाली जो आइटम्स होती हैं फूड से रिलेटेड या फिर डेली बेसिस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि तेल, नमक, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इनमें से राजू ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट उसमें से छांट लिए और इंडियन प्रोडक्ट को अपनी ऐप में लिस्ट कर दिया। अब राजू को ये बेनिफिट मिल गया कि राजू इन प्रोडक्ट को आसानी से सोर्स कर सकता है, क्योंकि ये सारे इंडियन प्रोडक्ट हैं, इनको आसानी से वो सोर्स कर सकता है और आसानी से बेच सकता है, और डेली बेसिक पे ये चीज़ें यूज में आती हैं, मतलब जो यूजर है, जो कस्टमर है, उनको डेली ये प्रोडक्ट लगते ही रहते हैं। तो यार राजू तो बड़ा दिमाग वाला निकला यार, उसने वो कैटेगरी भी चूज़ की जो कि मतलब यानी डेली यूज में आती भी है और जो आसानी से मिल भी जाती है इंडिया में, कमाल है। तो अब राजू ने भाई ये सारी चीज़ें तो कर ली, अब बात आती है भाई उसको एक अपना प्रोडक्ट बनाने की, अपना ई कॉमर्स ऐप जहाँ पे वो अपने सामान को बेच सके। तो राजू ने बहुत रिसर्च किया और फाइनली उसको मिल गया हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और हमने उसको बना के दे दिया एक बेहतरीन ई कॉमर्स ऐप, जिससे कि वो अपनी ऐप में अपने सामान को बेच सके। तो अब राजू के पास रेडी है सारी चीज़ें, उसके पास वो क्या प्रोडक्ट बेचेगा वो रेडी है, क्या बेचना है वो रेडी है, किस पे बेचना है वो रेडी है। अब राजू को चाहिए मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करेगा राजू? तो भाई राजू ने मार्केटिंग का आइडिया अपना लिया बाबा रामदेव से, स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी खाओ। भाई ये स्लोगन के साथ राजू ने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, और धीरे ही धीरे सभी लोगों में स्वदेशी की जो भावना है, जिसके अंदर भी स्वदेशी की भावना है, उन लोगों ने राजू के ऐप से परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे ही धीरे देखते देखते राजू का बिजनेस जो है धीरे धीरे ग्रो होने लगा, और राजू ये फूड वाली किराना वाली इंडस्ट्री में छा गया। जिसको भी अगर स्वदेशी लेना रहता है था, नो झिझक नो डाउट, राजू की ऐप पे जाता था और वहाँ से स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद लेता था। पहले तो राजू ने स्टार्ट किया अपने ही एरिए से, बाद में धीरे धीरे करके वो ऑल ओवर इंडिया में अपने माल को बेचने लगा। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर अब डायरेक्टली राजू के कांटेक्ट में आ गए थे और वो लोग अपना माल डायरेक्ट राजू को सेल करने लगे थे, और राजू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाता था, जिससे कि बीच का जो गैप होता था, बीच की जो मार्जिन होती थी, दूसरे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता था, वो मार्जिन भी उसने कम कर दिया, जिससे कि वो अब जो प्रोडक्ट है वो एक अफोर्डेबल रेट पे कम रेट में दे पा रहा था अपने कस्टमर को। तो राजू ने क्या किया, फूड इंडस्ट्री में ना अपना कब्जा जमा लिया। अब राजू यहीं पर नहीं रुका, अब राजू दूसरी कैटेगरी पे देखने लगा, उसकी नज़र दूसरी कैटेगरी पे जाने लगी। भाई फूड में तो छा गया मैं, अब दूसरी कौन सी चीज़ है जिसपे मैं छा सकता हूँ?
तब उसको मार्केट दिखा खिलौनों का, टॉयज, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और इंडिया में टॉयज इतने बिकते हैं कि पूछो नहीं। तो राजू ने देखा कि भाई खिलौने जो हैं वो चाइना से तो काफ़ी सस्ते आते हैं, काफ़ी मतलब सस्ते रेट में चाइना वाले खिलौने दे देते हैं। फिर उसके बाद राजू ने सोचा कि ठीक है चाइना से तो सस्ते आते हैं लेकिन हम इंडियन टॉयज बेचेंगे। अब जिसको इंडियन खरीदना है वो जरूर से 5-10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा भी लगेगा तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा क्योंकि वो इंडिया का प्रोडक्ट खरीद रहा है। राजू ने इसी इंडियन भावनाओं को टारगेट करते हुए अपनी ऐप में टॉयज डालने चालू कर दिए, टॉयज सेल करने चालू कर दिए और वो टोटली मेड इन इंडिया और इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए टॉयज थे और ज़रूर से वो महंगे थे लेकिन जिन लोगों को इंडियन प्रोडक्ट खरीदना था वो लोग बेशक उनकी इधर से टॉयज खरीदने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते राजू ने टॉयज की इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट टॉयज खरीदने लगा और जब इंडियन मैन्युफैक्चरर को अपनी सेल मिलने लगी तो उन्होंने भी अपना प्राइस क्या किया, थोड़ा डाउन कर दिया, जिससे कि वो चाइनीज प्रोडक्ट के रेट में या फिर उसके आसपास अपने टॉयज को भी सेल करने लग गया। उसके बाद राजू सिर्फ यही नहीं रुका, उसने फुटवेयर, क्लॉथ वेयर, इन सारी चीज़ों पे अपना एक्सपेंशन जारी रखा और धीरे धीरे राजू देखते ही देखते इंडिया की सबसे बड़ी स्वदेशी बेचने वाली एप्लीकेशन बन गया, स्वदेशी बेचने वाली कंपनी बन गया। तो दोस्तों ये तो थी राजू की कहानी। अब आप राजू की कहानी से क्या सीख सकते हैं, क्या आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचें? ये एक नया बिजनेस आइडिया हो सकता है जो कि राजू ने हमको दिया है, थैंक यू राजू। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का बिजनेस करके बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये अभी इंडस्ट्री नई है और अभी तक कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, मतलब कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ये जरूर से बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कहानी के थ्रू आपको ये नया बिजनेस आइडिया बताने का तरीका कैसा था वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो ताकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखो, गुड डे एंड टेक केयर।